Good morning, all of you. Welcome to our live program of CIT and CRT. I am Sabila Rashid, and today our topic of discussion is parenting adolescents. We have Professor Saroj Yadav with us, who is Dean Academics of NCRT. Along with her, we have Dr. Hareesh Meena with us, who is Assistant Professor in Department of Education in Social Sciences, NCRT. We welcome you both on our show. थैंक यू मैम, अगर हम बात कर रहे हैं जिस विषय की पेरेंटिंग एडोलेसेंस, तो इसकी क्या जरूरत है, इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? आपने सबीला बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अगर आप देखें आंकड़ों के आधार पर भी हमारे देश में हर पांचवा बच्चा एक एडोलेसेंट है, यानी 253 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो इस एज ग्रुप पे है, 10 to 19, जिसको हम कहते हैं कि वो किशोर अवस्था है. तो जो किशोर है उनकी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन संख्या से ज्यादा यह है कि आज का किशोर जो संख्या में बहुत अधिक है वो किस तरीके से हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकता है. और डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी बनेगा जो वो चैलेंजेस फेस कर रहा है, उन चैलेंजेस को हम शिक्षा के माध्यम से किसी ना किसी तरीके से उसको मदद करें. सबसे बड़ा चैलेंज तो क्या है कि जो सबसे ज्यादा इस अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, भावनात्मक परिवर्तन होता है. तो इन परिवर्तनों से किस तरीके से वो पार हो सके, किस तरीके से वो इन परिवर्तनों को समझ सके और उनसे गुजर सके, इसके लिए किशोर अवस्था शिक्षा की बहुत आवश्यकता है. आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूलों में कभी कभी इवन शारीरिक परिवर्तनों के दौरान जो हमारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है उनके बारे में भी हम बातचीत नहीं करते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि हमारा साइंस का एक चैप्टर है, बहुत बार बहुत सारे अध्यापक सेंसिटिविटी की वजह से उसे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन के आधार पर और बच्चों से बातचीत करने के आधार पर पाया गया है कि ज्यादातर बच्चे उस चैप्टर को, उस लेसन को पढ़ते हैं, लेकिन उससे संबंधित जो हमारी धारणाएं हैं या हमारे मिथ्स हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए कभी कभी ना तो अभिभावक मदद करते हैं और ना ही हमारे अध्यापक मदद करते हैं. दूसरा जो हमारा अहम चैलेंज है वो है हमारा मेंटल हेल्थ, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो ईव टीजिंग बढ़ रहा है या क्राइम बढ़ रहा है या बच्चों का मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है, बच्चे बहुत जल्दी सेल्फ हार्म, अपने आप को हार्म करने लग रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा है. तो क्योंकि मेंटल हेल्थ की तरफ भी हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए भी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इमोशनल चैलेंज भी है कि इमोशनली दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग. जैसे आप देखते हैं कि बच्चे से थोड़ी सी कोई बात नहीं की तो वो नाराज हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. गुस्सा करना ठीक है, जायज है, लेकिन उस गुस्से से निपटा कैसे जाए ये समझना बहुत आवश्यक है. रोड एक्सीडेंट अगर आप देखा जाए तो हमारे देश में अधिकतर नौजवान रोड एक्सीडेंट के दौरान मारे जाते हैं, जो कि एक देश की बहुत बड़ी संपदा को हम खो रहे हैं. तो इन सबको देखते हुए ये हमारे चैलेंजेस हैं, और इसीलिए किशोर अवस्था शिक्षा शुरू की गई कि बच्चों को बताएं कि शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों से अपने आप को कैसे इनसे गुजरना है और अपने आप को कैसे एक तरह से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है. ये हमारे लिए कुछ मुद्दे हैं जो हम किशोर अवस्था शिक्षा के दौरान बातचीत करते हैं. जी प्रोफेसर सरोज, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह के जो चैलेंजेस हैं, अगर हम युवावस्था की बात करें, चाहे वो फिजिकल चैलेंज हो या फिर इमोशनल नीड हो, इन सभी के बारे में आपने बताया. तो यहाँ पे अगर हम पेरेंटिंग की बात करें, व्हाई इज पेरेंटिंग नीडेड इन दीज टाइप ऑफ चैलेंजेस? पेरेंटिंग, क्योंकि देखिए बच्चा सबसे पहले जो कुछ सीखता है वो परिवार से सीखता है, और परिवार में जो घटना घटित होती है, परिवार के सदस्यों का जैसा व्यवहार है, जिस तरीके से परिवार के सदस्य बातचीत करते हैं या व्यवहार करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं या विभिन्न विषयों से डील करते हैं, बच्चा उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है. इसलिए कहा गया है कि पहला स्कूल बच्चे का परिवार है, पहला स्कूल उसका फैमिली है, और इसलिए एडोलेसेंस एजुकेशन को हमने एडोलेसेंट एजुकेशन नहीं कहा, एडोलेसेंस एजुकेशन कहा, क्योंकि इसका अर्थ है कि ये जो शिक्षा है ये ना केवल किशोरों के लिए जरूरी है, ना केवल अध्यापकों और प्रिंसिपल्स के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे अभिभावकों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला कदम जो बच्चा सीखता है वो परिवार से सीखता है. और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ परिवार का एक आदर्श परिवार होते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, वहाँ बच्चे एक अच्छी तरह से सफल नागरिक बन के निकलते हैं. इसलिए पेरेंटिंग
खास तौर से इस दौरान जब बच्चों में बदलाव आ रहा होता है, उसमें माता पिता की भूमिका बहुत अहम है। जी डॉक्टर हरीश, आप कुछ इसमें हाँ, ऐड करना जैसे कि चाहेंगे? मैडम ने जो चीज़ें बताई इसके रिगार्डिंग पेरेंटिंग के, तो मैडम ने जो चैलेंजेस बताए, और उसमें जब भी हम बच्चों की बात करते हैं तो पेरेंट्स का रोल, हम आज तो बात कर रहे हैं किशोरावस्था में पेरेंटिंग के रोल्स के बारे में, लेकिन अगर आप देखें तो बच्चे के जन्म से लेके और जब तक पेरेंट्स जिंदा है, जब तक हमेशा वो बच्चों की हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं, और हर स्टेज पे पेरेंट्स का होना या जो पेरेंटिंग स्किल्स हैं पेरेंट्स का, उसमें होना बहुत जरूरी है और उसका महत्व है। विशेषकर जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा महत्व बढ़ जाता है। जैसे मैडम ने कहा कि उनमें कई तरह के परिवर्तन हो रहे होते हैं, और वो कई बार होता है कि अगर वो शारीरिक परिवर्तन है तो उससे बच्चा असहज महसूस करता है, तो इस संदर्भ में जब हम बात करें तो पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उनको कुछ स्किल्स जैसे कि अगर की जरूरत होती है कि उनको अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, खासकर इस अवस्था में, क्योंकि वो एक बचपन की जो स्थिति होती है जिसमें बच्चा केवल परिवार तक सीमित रहता है, वो एक नई दुनिया की तरफ जा रहा होता है जिसमें उसके नए दोस्त बन रहे होते हैं, आउटसाइड जो दुनिया है परिवार के बाहर की दुनिया उससे वो इंटरेक्ट करता है, तो उस टाइम में जो पेरेंट्स का रोल काफ़ी बढ़ जाता है कि वो बच्चों को टोटल अटेंशन थोड़ा उनको दें, उनसे बात करें, उनसे उनके साथ जो फीलिंग्स हैं, जो चेंजेस वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, उसको वो शेयर कर पाए, इस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें घर में दें कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं या जो ऑब्जर्वेशन उनके आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हो रहे हैं तो वो उसको पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और पेरेंट्स फिर उसमें अपना रोल, अहम रोल हो जाता है कि उसमें वो बच्चे को गाइड कर पाए, उनको जो भी नेसेसरी इनपुट्स हैं अपने जो अनुभव के आधार पे वो उनको दें। तो ये एक बहुत जरूरी है कि एक सेफ और लविंग एनवायरनमेंट घर में उनको पहले क्रिएट करना होगा ताकि बच्चा आपसे वो चीज़ें शेयर कर पाए। इसके अलावा एक बहुत जरूरी होता है कि कहा तो जाता है पेरेंटिंग एक बहुत आसान काम भी है लेकिन बहुत डिफिकल्ट काम भी है, क्योंकि आपको बच्चे के स्तर तक बच्चे को समझने की और अपने जो जीवन में पुराने उसमें दौर में जाके देखना होता है कि जब हम पेरेंट्स को कि जब हम छोटे थे तो हमारी क्या जरूरतें थी, तो उसके हिसाब से वो बहुत जरूरी है उस तरह का एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करना। ट्रस्ट होना चाहिए बच्चों पे, हमेशा पेरेंट्स का एक है कि वो बच्चों पे जरूर ट्रस्ट करें, उनसे बात करें, रिस्पेक्ट करें, और एक एज अप्रोप्रिएट उनको, मतलब उनकी जो उम्र है उसके हिसाब से कितनी उन्हें स्वतंत्रता देनी है उनके कार्यों में वो बहुत जरूरी है, और असर्टिवनेस बहुत जरूरी है कि बच्चे में वो स्किल डेवलप करें कि किसी चीज़ पे वो किस तरह असर्टिव होके आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक एनकरेजमेंट का इन्वायरमेंट होना चाहिए पेरेंट और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको एनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बातें आपस में फैमिली के साथ शेयर करें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। एक और चीज़ जो आ जाती है उसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्किल है जो बच्चे में डेवलप करने की बहुत ज़रूरत होती है, और ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं कि उनको अलग अलग जो उनके एक्ट हैं जो करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो उसके लिए जो भी एक्ट है वो उसके लिए किस तरह जिम्मेदारी पूर्वक करें और उसके लिए वो जिम्मेदारी लेना भी सीखें, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड वर्क है उसमें एंगेज करें आप बच्चों को, तो ये एक स्किल है जो पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली हम देखते हैं कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति या उस समाज में कुछ हम जेंडर रोल्स स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसकी वजह से लेटर ऑन दिक्कत होती है, तो एज ए पेरेंट बहुत ज़रूरी है कि वो हर रोल के बारे में बच्चों से इंटरेक्ट करे और हर रोल की जो महत्वपूर्ण कि क्यों किस लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो लड़कियों के लिए हो या इस तरह स्पेसिफाई, तो वो सारी चीज़ें सेग्रीगेट ना करें, हर बच्चे को हर रोल के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक है कि हमारी या बच्चों की क्या बाउंड्रीज हैं वो जरूर बच्चों को स्पेसिफाई करें कि उनकी क्या क्या बाउंड्रीज हैं, क्या लिमिट्स हैं जिसके अंदर रह के उनको अपने सारे एक्टिविटीज़ रखनी है। तो और एक और बड़ी चीज़ है कि कोई भी काम जब बच्चे करते हैं तो वो करने से पहले सोचें कि उसके क्या नुकसान हो सकता है या क्या फ़ायदा है ना, कोई भी एक्टिविटी, तो ये बहुत अहम है पेरेंट्स के लिए कि ये सारी चीज़ें आप जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तभी उनमें इस तरह के स्किल्स डेवलप कराएंगे। तो ये पेरेंटिंग के कुछ खास वेज हैं जिसमें बच्चों को
और जो पेरेंट्स हैं उनको अपने आप को तैयार करना होगा, और इन सब चीज़ों के लिए उनको हो सकता है कि एडिशनल टाइम वगैरह बच्चों को देना पड़े, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें ज़रूर मदद करती हैं पेरेंटिंग में, अगर हम इस चीज़ों को फॉलो करें तो बेहतर नागरिक हम बना सकते हैं अपने जो बच्चे हैं उनको भविष्य के लिए। जी डॉक्टर हरीश, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए अगर कोई एडोलेसेंट है, किस तरह से उसे गाइड करे, उसका मेंटर बने। यहाँ पे आपने एक ये भी बात कही कि बाउंड्रीज सेट करने की, तो कई दफा हम ये देखते हैं कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी चीज के लिए मना करते हैं कि तुम ये ना करो, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। तो किस तरह से उस कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाना चाहिए और क्या वजह होती है और किस हद तक ये कॉन्फ्लिक्ट फैलता है और पेरेंट्स को किस तरह से संभालना चाहिए? इसमें एक अगर आप कहें तो बच्चे में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए आते हैं कि बच्चा इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होता है लेकिन वो इंडिपेंडेंस चाहता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ है कि क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे ही बच्चा 15 साल के आसपास हो जाता है तो वो पेरेंट्स से दूर भागना शुरू करता है, डिस्टेंसिंग फ्रॉम पेरेंट्स जैसे कहते हैं ना जिसको हम, तो पेरेंट्स से वो दूर भागना शुरू कर देता है। तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट वहां पर, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अभी भी हमारे कब्जे में रहे, हम जैसे कहें वैसे ही बात करें, लेकिन वो पीयर के अपने जो सहपाठी हैं ये अपने जो दूसरे लोग हैं उनके नजदीक जाने शुरू कर देता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो ये है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट उनका ये होता है कि वो कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है और उसकी वजह से वो ज्यादातर फिल्मों में जो देखते हैं या मीडिया में जो देखते हैं उस स्टाइल को वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है कि उनका हेयर स्टाइल कैसा है, उनकी ड्रेस कैसी है, वो कैसे खड़े होते हैं, वो भी पेरेंट्स में बहुत बार एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन होता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट का एक और रीजन है कि वो किस धर्म को मानते हैं, कौन सी पॉलिटिकल उनकी आइडियोलॉजी है, अल्कोहल ड्रग्स के बारे में उनकी बहुत ज्यादा एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, उससे बात मत करो, उससे बात लड़कियों से बात मत करो, लड़कियां हैं तो लड़कों से बात मत करो। तो वो रिलेशनशिप के जो मुद्दे हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है पेरेंट्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे मैंने इसमें आपने स्लाइड में दिखाया हुआ कि अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, क्योंकि इस एडोलेसेंस पीरियड में जो किशोर अवस्था की हमारी स्थिति है उसमें हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं और यही एक ऐसी स्थिति होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो जीवन में होता रहता है, यानी बच्चे से लेकर के और जब तक व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहता है तो वो उसमें डेवलपमेंट होती रहती है, लेकिन जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो इसी एज में होता है और इसलिए उसमें एक बहुत तीव्र गति से होता है। वो कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं क्या उसके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, तो उस समय क्योंकि जो पीयर है उसमें वो परिवर्तन हो रहे होते हैं वो उसके क्लोज जाना शुरू कर देता है और पेरेंट्स के वो थोड़ा सा डिस्टेंस करना शुरू कर देता है। तो वो भी एक है कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स है, वो भी एक कभी कभी या इवन सेम सेक्स के प्रति भी अट्रैक्शन है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का कारण वोकेशंस भी है, सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, पेरेंट्स चाहते हैं साइंस ले, क्योंकि हमारे कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आज भी सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या IAS बने, कोई भी नहीं चाहता उसका बच्चा म्यूजिक में जाए, डांस में जाए, तो इस तरीके के जो वोकेशंस हैं इसमें नहीं जाना चाहता। तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट, बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और होता है, पेरेंट्स का जो है इंटरेस्ट कुछ और होता है, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट करने के देते हैं। फिर हम कहते हैं बच्चों से और कॉन्फ्लिक्ट होता है कि सारे दिन टीवी मत देखो, सारे दिन पढ़ाई करो, तो पेरेंट्स बच्चों की भावनाओं को, उनसे जो बातचीत है वो नहीं समझते हैं और ये सब मुद्दे ऐसे हैं कि बच्चे माँ बाप से दूर होते चले जाते हैं। इनके कारण भी हैं, इनके कारण ये है कि पेरेंट्स और एडोलेसेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पर होते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है ना अलग अलग होता है। पेरेंट्स ये कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते कि उस उम्र के बच्चों का क्या इंटरेस्ट है और वो क्योंकि ऑलरेडी उस उम्र से गुजर चुके होते हैं तो वो अपने दिनों को भूल जाते हैं, तो इसलिए भी कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। दूसरा ये कि पेरेंट का एटीट्यूड, क्योंकि उन्होंने उनका जो किशोर अवस्था थी वो बहुत पुरानी थी और उस समय तो इतना एक्सपोजर भी मीडिया का नहीं था, पेरेंट्स का बहुत एक तरह से डिसिप्लिन, जिसको कहते हैं कि डिसिप्लिन तो एक पॉजिटिव वर्ड है जिसमें कि ऑटोनॉमी भी है, जिसमें थोड़ा यू कैन से प्रेशर भी है, लेकिन उस समय तो डिसिप्लिन एक तरह से ऑटोक्रेटिक कह सकते हैं कि जो माँ बाप ने कह दिया वही सत्य है, उसके बारे में हमें कभी कुछ नहीं कहना है। तो वो उस अवस्था से गुजरे होते हैं,
तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी तरीके से बातें माने, जो कि आज के समय में संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारा हमारा एक्सपोजर है। फिर हमारा जो सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि हम उनको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मैं आईएएस नहीं बना तो मेरा बच्चा आईएएस बने, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है और पेरेंट्स जो चाहते हैं वो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, ये भी एक उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट का काम बन जाता है और वो कारण जो है बच्चों को पेरेंट्स से अलग कर देता है। पेरेंट्स अपने आप में रॉन्ग मॉडल होते हैं, मैं गलत काम कर सकता हूँ पर तुम मत करना। तो जब आजकल आप देखें बच्चा बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है और इसलिए पेरेंटिंग की जरूरत पड़ी। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एडोलेसेंस स्टेज पर आकर के हम बच्चों को एज ए पेरेंट बन करके दिखाएं, बल्कि जरूरत है जब से बच्चा पैदा होता है तब से हम उसकी सारी जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए और एक ऐसा रोल मॉडल खुद बने जो हम बच्चे को बनाना चाहते हैं, बच्चे को फ्रीडम दें। क्योंकि हमारे देश में इन्वेंशन तो तभी होंगे ना जब हम बच्चों को कुछ करने के लिए कुछ प्रोत्साहित करेंगे। हम बच्चों को कुछ चीज हाथ नहीं लगाने देते क्योंकि हमने घर को सजा के रखना होता है। तो बच्चों को शुरू से थोड़ी फ्रीडम देना जरूरी है। वो जैसे कहते हैं ना कि जल बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको बाढ़ नहीं बनने दे, तो जल की तरह उनको एक मदद करें तो हम ज्यादा एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। और उसके लिए हमें जरूरी है जैसे कि मिस्टर हरीश ने कहा कि बच्चों के साथ बातचीत करना जरूरी है कि हम उनको सुने। हम आम तौर पर गांव में पेरेंट्स को समझ नहीं है कि बच्चों से बातचीत करनी चाहिए या नहीं, और शहरों में व्यक्तियों के पास टाइम नहीं है क्योंकि दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखना हमें जरूरी चाहिए जिससे कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा पेरेंट्स बना सके। तो सबसे जरूरी है लिसनिंग, कि बच्चों से चाहे हम 5 मिनट बात करें, हर अवस्था में बच्चों से बातचीत करना जरूरी है। जी प्रोफेसर सरोज, आपने इतने अच्छे से बताया कि कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं अगर अगर एक एडोलेसेंट और एक पेरेंट की बात करें तो। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक पेरेंट समझदार है, एडोलेसेंट जो है ऑलरेडी कई चीजों से गुजर रहा होता है, यहाँ पे पेरेंट को किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल करना चाहिए? आप मेरे से पूछ रही हैं? जी अच्छा, मैंने कहा ना जैसे कि आपने भी कभी अनुभव किया क्योंकि आप भी उसी स्टेज से गुजरी हैं कि अगर माँ बाप हमारे से 5 मिनट भी बात करते हैं ना केवल पढ़ाई के लिए, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स पढ़ाई के लिए बात करते हैं कि आपने पढ़ाई की कि नहीं, आपने टीवी तो नहीं देखा सारे दिन, है ना, आप पढ़ो पढ़ो, तो उससे क्या है कि बच्चा पेरेंट्स से बातचीत नहीं करना चाहता। इसलिए दोस्ताना फ्रेंडशिप, हम कहते हैं ना जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें, और मित्र का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली हम उसका पीयर बन जाए, लेकिन उनसे बातचीत करें तो आपको पता लग जाएगा कि आप बच्चा आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो भी देखेगा। दूसरा ये कि हम खुद भी थोड़ा पढ़ाई, अगर हम पढ़े लिखे हैं और अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं तब भी थोड़ा समय निकाल करके पढ़ना भी हम शुरू करें, क्योंकि जब हम काम करेंगे सिंसियरली तभी तो बच्चा सिंसियरली काम करेगा। दूसरा जरूरी है कि बच्चों को प्यार, प्यार का मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ हम उनसे प्यार करें और उनसे बातचीत ना करें, उनको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्यार का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनसे भी उनको हम अवगत कराएं। फिर ये भी जरूरी है कि बच्चे को थोड़ी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, कि बच्चे को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो कुछ काम करना चाहता है उसको करने दे। जैसे उसको डिसिप्लिन ही अपने लेना है तो हम अपना डिसिप्लिन नहीं थोपें, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि पेरेंट्स के दबाव में आकर के बच्चे वो डिसिप्लिन, वो सब्जेक्ट, वो एरिया वोकेशन का चुन लेते हैं और बाद में जाकर के वो बड़े परेशान होते पछताते हैं और वो कभी कभी तो बीच में छोड़ देते हैं, उससे उनका समय भी बर्बाद होता है और वो दुखी भी होते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। पेरेंट्स को चाहिए बच्चे का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखें, उनको जब वो थोड़ा सा भी काम अच्छा करते हैं तो उनको एक तरह से शाबाशी भी दें, उनको प्रोत्साहित भी करें, क्योंकि उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। सारा खेल तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का है कि बहुत बार देखा कि बहुत अच्छे आपने मार्क्स भी लिए, आप IIT में भी अपियर हो गए, लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, और ये परिवार ही है जो बच्चों में सेल्फ एस्टीम यानी अपने आप को ट्रू इवैल्यूएट करना कि मेरे में क्या गुण है और क्या मेरे में कमियां हैं, ये अगर हम बच्चे को जानना सिखा देते हैं एज ए पेरेंट्स तो बच्चा कोशिश करेगा कि जो गुण है उसको बढ़ाएगा और जो उसमें कमियां हैं उसको सुधार करने की कोशिश करेगा। और ये भी देखने में आया कि जहाँ हैप्पी होम एनवायरनमेंट है, जहाँ घर
खुशहाल है, शांति है, पेरेंट्स एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, वहां भी बच्चे जो किशोर हैं वो एक तरह से जिम्मेदार नागरिक बन के निकलते हैं। एक और है कि बच्चों के काम में इंटरेस्ट जरूर लेना चाहिए, जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको इंटरेस्ट से बात करें, डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे घर से, जैसे इन्होंने कहा घर में इन्वॉल्व करना, छोटे छोटे डिसीजन हैं कि भाई हमें सामान लाना है तो क्या लाना चाहिए, उनको मौका दें कि भाई वो एक तरह से डिसीजन ले सके क्या चीज सही है क्या चीज नहीं लानी है, किस रेट पर लानी है। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं कि डिसीजन, जब भी वो डिसीजन ले अगर गलत है तो उसको एकदम ये नहीं कहे कि तुम्हारा डिसीजन गलत है, बल्कि उसको बताएं कि ये अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो इसके इम्प्लीकेशंस ये हैं, और आप सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या ये इम्प्लीकेशन के साथ आप ये निर्णय लेना चाहते हैं या अपने निर्णय को बदलना चाहते हैं। और आप जीवन में जो भी व्यूवर्स हैं सुन रहे हैं, तो अगर कभी इस तरीके से बच्चों से बातचीत करके देखें तो रियली में आप देखेंगे कि जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं वो बहुत बड़े एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के उभरते हैं। कोशिश हमें करनी चाहिए, और पेरेंटिंग तो बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हमारे अभिभावक ही ऐसे हैं कि जो हमारे बच्चों को सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि एडोलेसेंस एजुकेशन केवल टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि अभिभावक ही समझ सकें। आपको देखा होगा कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से हो जाता है कि बच्चा किसी कैसे खड़ा है, क्योंकि पेरेंट्स ये नहीं समझ सकते कि उसमें ये बदलाव आ रहे हैं, या बच्चा गुस्सा हो जाता है तो माता पिता ये नहीं सोचते हैं कि ये बदलाव की वजह से उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो पेरेंट्स को बहुत जरूरत है कि वो ये समझ सके कि इस समय किशोर अवस्था में क्या बदलाव आते हैं, और उस बदलाव के दौरान उनको क्या क्या चीजें, जैसे उनको सुनना, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना, पर साथ साथ ऑटोनॉमी देना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर हरीश, आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अगर बेसिक्स ऑफ पेरेंटिंग एडोलेसेंस की बात करें तो कौन से पहलू आएंगे सामने? वैसे तो हमने सब कुछ इसमें कवर कर लिया, लेकिन अगर हम उसको समराइज करें जो आज का हमारा डिस्कशन था, तो उसमें एक जो बहुत अहम चीज उभर के आई है डिस्कशन से, मैडम ने भी कहा कि लव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट, जो घर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दो चीजों पे जब भी जो भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं तो ये इन चीजों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि घर में एक प्यार या एक खुशनुमा माहौल क्रिएट करके रखना बहुत जरूरी है, और उसका और साथ में सपोर्टिव इन्वायरमेंट, बच्चे में जो भी चेंज हो रहे होते हैं तो वो आपको शेयर कर, वो शेयर तभी कर पाएगा जब घर में इस तरह का इन्वायरमेंट होगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पेरेंट्स की कि वो घर में इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें। अच्छा, इसके कई फायदे भी हैं कि जो अगर आप जितनी भी रिसर्च स्टडीज इसमें हुई हैं तो वो दिखाती हैं कि जिस भी फैमिली में या परिवार में इस तरह का माहौल बच्चों को दिया गया है तो उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है या उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो उनकी सक्सेस रेट है, जो भी फ्यूचर उनके इनिशिएटिव्स हैं उसमें, तो वो बेहतर रही है। और साथ ही साथ ये उस तरह की जो हम कहते हैं प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एडोलसेंस, अगर कुछ ड्रग अब्यूज की कोई समस्या है या कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो उससे भी बच्चों को दूर करती है। एक और चीज जो हम चाहेंगे पेरेंट्स को टिप्स देना, उसमें आप बच्चे को एक ऑब्जर्वेशन और मॉनिटर, ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए, लेकिन एज ए पेरेंट आपकी ये कंटिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे की हर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करें और उसको मॉनिटर करें। जैसे मैडम ने भी कहा कि उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस हो या कुछ खेलों में अच्छा कर रहा हो या और जो एरियाज है कल्चरल एरियाज होंगे, म्यूजिक में होगा, तो उनको अप्रिशिएट करें, यह बहुत जरूरी होता है। तो एज ए पेरेंट आप जब उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसके क्या हॉबीज हैं, क्या स्किल्स हैं उसमें, तो उससे बच्चे को काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है और उस फील्ड में एक्सेल करता है। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, आप उसकी जो स्कूल परफॉर्मेंस है या जो इंटरेक्शन विद आउटसाइड फैमिली जो वर्ल्ड है उसके साथ उसका जो इंटरेक्शन है उसको जरूर मॉनिटर करें। उसमें अगर कुछ आपको लगता है कि फिजिकल कुछ चीज़ों को लेके कुछ इश्यूज हैं या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो पेरेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको, बच्चे को जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसका बिहेवियर है, उसको ऑब्जर्व करें, तो अकॉर्डिंगली जो भी इंटरवेंशन है वो दें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्कूल के बाद या वो कहाँ पे है, उसके किस तरह के दोस्त हैं, जो पीयर्स हैं, तो उसमें एक जरूर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और अगर लगे पेरेंट्स को तो एक जो माहौल जो अगर उन्होंने इंटरेक्शन का घर में क्रिएट किया हुआ, तो उससे अगर कहीं लगता है कि कुछ इश्यूज हैं जो उनके दोस्तों से रिलेटेड हो सकते हैं, यूजुअली
पेरेंट्स को रहते हैं इस तरह के इश्यूज कि इसके साथ आप रहो, इसके साथ इससे बात मत करो, इससे दोस्ती करो, तो वो सारे इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं अगर हम उसको मॉनिटर और ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक और चीज, एज ए पेरेंट हमें हमेशा बच्चे को जो भी वो काम कर रहा है तो उस पर गाइड करने की जरूरत है उसको। जैसे मैडम ने भी कहा कि हर चीज का उसको पहलू बताना होगा कि इसके क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, और अगर कोई काम वो कर रहा है तो कैसे वो कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आप टोटली उसको गाइड करें और उसमें कोई स्किल डेवलप ना करने दें। आप बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वो कोई काम करे, और जहां जहां लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो वहां एज ए पेरेंट आपका रोल बनता है कि आप उसको प्रोत्साहित करें। एक्सपेक्टेशंस एक बहुत ज्यादा पेरेंट्स की होती हैं और वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पे लाते हैं, तो उसको अवॉइड करने की बहुत जरूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी हर इश्यूज पे बहुत जरूरी है, बच्चे की आप सुने और अपनी बात कहें, बहुत ज्यादा रिजिड ना हो जाएं कि अपनी ही बात उस पे थोपें। तो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो चीजों का इश्यूज का जो है इंटरेक्शन जरूर होना चाहिए। आप देखेंगे जैसे मैडम ने कहा कि पेरेंट्स अधिकतर बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं, अगर हम इंडियन कल्चर और सोसाइटी को देखें तो हमेशा बच्चे का प्रभाव, रिसर्च में भी ये निकल के आया है कि पेरेंट्स का जो ओवरऑल बिहेवियर और वो सब रहता है उसके हिसाब से बच्चे का डेवलप होता है, उनके स्किल्स हैं। तो आपको खुद को भी सुधार करने की जरूरत पड़ सकती है कई बार एज ए पेरेंट, कि जैसा आप बच्चे को देखना चाहते हैं। तो पहले जरूरी है कि आप खुद में परिवर्तन करें और एज ए रोल मॉडल आप बच्चों को प्रेजेंट करें, तो उससे काफ़ी चीज़ें आपकी हो सकती है। और जैसा कि मैडम ने भी बताया कि बच्चे को आप कंटिन्यूसली एनकरेज कर जाएं, साथ में जब आउटसाइड वर्ल्ड में अगर हम लेटर एडोलसेंस की बात करते हैं तो वो एक नई दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ उसको अपने फ्यूचर को लेकर चिंता रहती है, तो उससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट है वो उसके लिए पेरेंट्स को तैयार रहना चाहिए और वो मैक्सिमम है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आप बेसिक्स कह सकते हैं कि ये चीज़ें हर पेरेंट को एटलीस्ट मिनिमम एक क्राइटेरिया जो फॉलो करना चाहिए तो हम बेहतर नागरिक देश को दे सकते हैं। जी, यानी कि जो हमारा चर्चा का आज विषय था पेरेंटिंग एडोलसेंस, हम लोग काफ़ी डाइवर्स इश्यूज पे हमने बात की कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, पेरेंट को किस तरह से रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है कि वो खुद काम करे और उसके बाद बच्चे को सीख दे, ना कि सिर्फ दिशा निर्देश दे। और भी हमने कई पहलुओं पर बात की, चूँकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम और भी किसी चीज़ पर बात कर सकें, लेकिन सिर्फ दो मिनट में अगर आप समअप करना चाहें, कुछ हमने डिस्कशन में छोड़ दिया हो तो हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहते हैं। इसमें ऐसा है कि अभी एक रिसेंटली स्टडी आई थी कि हमारे यहाँ जो अब्यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है, और उस स्टडी में दिल्ली की स्टडी की गई है जिसमें कहा गया है कि 85% ऑफ द अब्यूज़ आर अकरिंग इन हाउस, मतलब घर के अंदर या नॉन व्यक्तियों से है। तो पेरेंटिंग का सबसे बड़ा एक अहम जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रदान करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने बच्चों में वो स्किल डेवलप करें कि वो नेगोशिएट कर सके अगर उसको ज़रूरत है, वो ना कह सके अगर उसको सिचुएशन रिस्की लग रही है, अगर कोई भी उसको इस तरीके से टच करता है तो वो पेरेंट्स उनको इस तरीके से तैयार कर सके कि वो उस व्यक्ति से किसी सेफ जगह में जा सके। तो बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि इमोशनल स्ट्रेंथ देना बहुत ज़रूरी है, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, किस कारण कॉन्फ्लिक्ट है उन कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस को कम करने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और साथ साथ बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार करने की जरूरत है। इन सब से पहले यह है कि पेरेंट्स को किशोरावस्था शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि उनके बच्चों में जो किशोरावस्था से गुजर रहे हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। और आपने आइंस्टाइन की तो स्टोरी पढ़ी होगी कि एक माँ ने अपने बच्चे को कहाँ तक आइंस्टाइन बना दिया, अगर वो स्कूल से जो पत्र मिला था उसको पढ़ करके उस समय उस बच्चे को सुना देती तो शायद वो कभी भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। तो ये हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स की ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के साथ इस तरीके से बातचीत कर सके जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। दूसरा ये कि कभी कभी हम जो मेंटल वर्ड है उसको हम गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेंटल वेलबींग की बात बहुत अधिक की गई है, और मेंटल वेलबींग में ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बीमार ही हो,
लेकिन उसको मेंटल सपोर्ट बहुत जरूरत है। और इसी दौरान इसके दौरान ही बहुत सारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जैसे एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत हम टीचर्स को पेरेंट्स से बातचीत करना चाहते हैं और स्कूल में बहुत सारी गतिविधियां ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जिससे बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिचुएशन मिले। आयुष्मान भारत करके एक अभी प्रोग्राम लॉन्च हो गया है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों मिलकर के इसमें काम करेंगे। और इसमें ना केवल बच्चों को जानकारी दी जाएगी, ना केवल बच्चों को एक तरह से अवेयरनेस डेवलप किया जाएगा, बल्कि साथ साथ जो हमारी क्लिनिकल सर्विसेज हैं उनको भी प्रदान करने का जो सर्विस, क्योंकि बातचीत करने के बाद बच्चों को जरूरत है सर्विसेज की, तो सर्विसेज का होना भी बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स को भी ये मानना कि बच्चे को अगर किसी सर्विसेज की जरूरत है तो उसके लिए वो भी तैयार रहें, कि ये भी हमारे पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। और इन सब जिम्मेदारियों के साथ अगर हम करेंगे तो हम एक अच्छे किशोर और जिम्मेदार किशोर को बना सकते हैं और देश को दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सरोज यादव और डॉक्टर हरीश मीना हमारे साथ आ जाने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या कोई भी सुझाव है तो हम अपने स्क्रीन पे आपको अपना नंबर दिखा रहे हैं, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 1800-11265, दूसरा नंबर है 1800-11299। साथ ही आप हमें ईमेल पे हमें मेल भी कर सकते हैं dthtv.ncert@cieet.nic.in। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।